हे गाइस, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और अभी बज रहे सुबह के 4 और जस्ट अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्णागिरी। यहाँ से लगभग अभी 6 किलोमीटर दूर है और हवा जो है बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। अभी जस्ट कार में था तो यहाँ का वातावरण एकदम से चेंज हुआ, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंड लग रहा है और काफ़ी रात हो चुकी है तो नींद भी आ रहा है। अभी हम 2 घंटे आराम करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं, फिर पूरी कहानी बताते हैं आपको। सो बेसिकली अभी सुबह जग चुके हैं आराम करने के बाद में। ये हमारी गाड़ी खड़ी रही और जहाँ की नज़ारा देख सकते हैं आप, पूरा पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। हम आपको पीछे कैमरे से आपको शो कराते हैं। जैसे कि मौसम आप देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और उस हवा की वजह से यहाँ मौसम जो है वो ठंड हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, तो अभी देखा होगा आपने रास्ते के बीच की जो राइड थी, वो जो भैया गाड़ी चला रहे थे वो ये हैं अपने विजय भैया। और सलाम है भाई आपको जिस डेयरिंग से आप गाड़ी चला रहे थे, और उस वजह से हम लोग को काफ़ी कम आना पड़ा। कितना हम लोग कितना किलोमीटर कवर कर लिए गाड़ी से? अब 3 किलोमीटर बचा है सिर्फ चढ़ाई बस। हम लोग उधर से कितने आए हैं चढ़ के गाड़ी से? नीचे से हम लोग 12 किलोमीटर आ गए ऊपर। तो 12 किलोमीटर हम लोग गाड़ी से आ गए हैं अभी बस। ये अपनी गाड़ी जिसकी थ्रू हम लोग आए हैं। तो अभी ठीक है, बाकी और चीज़ें अभी नहा लें, फ्रेश हो लें, उसके बाद में हम और चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ के बारे में। कुछ चीज़ें और भी जो डिटेल होगी वो हम आपको बताते हैं फ्रेश होने के बाद। सो बेसिकली स्नान करने के बाद में हम ले लिए हैं माता जी का प्रसाद और उसके बाद में अब हम शुरू कर रहे हैं चढ़ाई। और ये हैं हमारे विजय भैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब चलते हैं बाकी आगे की चढ़ाई चढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के बारे में और भी दर्शनीय स्थल, जो भी यहाँ की मान्यता है, जो भी यहाँ की। इस माता जी के दरबार की खास बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आते हैं, जहाँ भी आप प्रसाद लेते हैं वहीं पर आपको स्नान करने का और फ्रेश होने का पूरी व्यवस्था मिल जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो क्राउड है वो बहुत ही अच्छा खासा हो रखा है और अभी हम जस्ट स्टार्ट ही किए हैं तो यहाँ पर है काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भक्तों का, देख सकते हैं जैसा कि आप। है माता जी का प्रसाद और अभी हम चढ़ाई शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भक्त आए हुए हैं। जैसा कि माँ वैष्णो देवी का स्थान है कि काफ़ी ऊंचाई पे है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी चढ़ाई है तो काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ से नेपाल से दिखाई देते हैं, नेपाल से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से पास पड़ जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज निकल रहा है। तो लगभग आधी चढ़ाई हो चुकी है, अभी कुछ और चढ़ाई बाकी है और बस पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द माँ के दरबार में। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मॉर्निंग का समय है और जो खुशी है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है क्योंकि बहुत ही जल्द दर्शन होने वाले हैं। तो आपको भी दर्शन हम कराते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लोग लगभग 700 किलोमीटर चले हैं। हाँ। अभी हम लोग लगभग 2.2 किलोमीटर अभी और चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हर हर महादेव।
जय माता दी, जय माता दी। बेसिकली बात ये है ना, यहाँ पर जितनी भी चढ़ाई है सब जीने के थ्रू है, तो जीने के थ्रू होने से थोड़ा सा सिचुएशन टफ हो जाता है, थोड़ा सा टास्क थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता है। माता जी का नाम लो, चलते रहो। बिल्कुल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो कैसा रहा चढ़ाई, मजा आ रहा है? मजा आ रही। तो अभी कितना किलोमीटर बाकी है? अभी तो 2 किलोमीटर बाकी है अब्दुल सर। मगर माता जी का नाम लेते रहो और चलते रहो, क्योंकि ये तो यहाँ पर सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। आशीर्वाद मिलेगा माता जी का, वैसे सभी को और सारे दर्शकों को माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। वैसे भैया हमें मोटिवेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद कमेंट में बताओ कि किसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि कौन ज्यादा थका हुआ है, आप कमेंट में बता सकते हैं। दर्शकों में बताओ, देवेंद्र पांडे ने बोला मैं 40 मिनट में चढ़ जाऊंगा जी, और 40 मिनट चढ़ के दिखा देगा तो मैं जान जाऊंगा। बिल्कुल मैं चढ़ जाता, लेकिन देखिए आप लोग जैसा कि समझते हैं कि आप लोग के लिए वीडियो बनाना वो ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है, तो जिस वजह से हमें बहुत जगह रुकना पड़ा, और यहाँ पर अच्छा आ रहा है चेहरा, तो यहाँ पर रुक गए हैं तो यहाँ पे अच्छा। और ये हमारे अच्छा लग रहा है हमारे ये तो बेसिकली इस मंदिर का मान्यता जो है वो ये है कि ये 108 शक्तिपीठों में से एक है, और जो कि काली जी का पीठ है, काली देवी जी का पीठ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हर 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर के अंदर में आपको विश्रामय मिल जाएगा, जहाँ पर आराम से आप रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए जाएं। लेकिन मेरा सजेशन ऐसा है कि आप डायरेक्टली पहले दर्शन करें, उसके बाद में जब आते समय हैं फिर विश्राम करें, क्योंकि आप जितना ही रुकेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा रास्ता। तो रास्ता आपको ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा ईजी रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप आराम से चलते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय माता दी, 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 क्या बात है पांडे जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो अभी तक जो आए हैं जर्नी वो अपने बस से आए हैं, अब जो ऊपर जा रहे हैं वो माता जी के साक्षात केवल कृपा से जा रहे हैं, क्योंकि पांडे जी लखनऊ का पानी निकल गया, सारा पानी निकल गया, वाकई में लखनऊ का पानी निकल गया। लेकिन ये है कि जब माता जी के आशीर्वाद से यहाँ तक आए हैं तो वहाँ तक भी पहुँचेंगे आराम से, बट हाँ थोड़ी सी है, बिल्कुल पहुँचेंगे, नहीं 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 इतना है, इतना है सक्षम है, चले चलेंगे। तो बाकी पहुँचते हैं, कुछ तो थकान महसूस हो ही रहा होगा मुझे। हाँ ना ना, अगर थकान महसूस हो रही है, अभी ट्रैकिंग, अभी तुमने बाबू ट्रैकिंग की नहीं मेरी तरह, अभी करोगे, आ रहे हो मेरे ग्रुप में, बिल्कुल। अब केदारनाथ की चढ़ाई करवाएंगे, इनका फीडबैक आपको वहीं देंगे, बिल्कुल, ये कितना स्टैमिना इनका भारी है, बिल्कुल। देखिए अभी अभी देखिए 29 तारीख को मिलते हैं केदारनाथ में, जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। भैया ऐसे है कुछ लोग हैं इसमें ऐसा कि जिनका 5-10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका है, वहाँ दर्शन हो गए हैं, मेरे साथ करने हैं मेरे को। मैं केदारनाथ सेकंड टाइम जा रहा हूँ, उससे पहले जा चुका हूँ मैं। हाँ तो बच्चा लास्ट ईयर गया था मैं, इस बार इसको लेके जा रहा हूँ। हाँ तो ये बच्चा पहली बार अब आया है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो टफ होगा ही, है ना। तो बाकी जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद में हम दिखाते हैं कि क्या चाल होती है। 17 तारीख का वैष्णो देवी का ट्रिप रहेगा हम लोग का, गजब। जय माता दी, जय माता दी। 17 मई को वैष्णो देवी, 29 अप्रैल को केदारनाथ, 17 मई को वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करेंगे देवेंद्र पांडे के साथ। तो आप इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। भाई वहाँ पे विजय कुमार शर्मा का भी नाम ले गया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तब तक भैया का विजय शर्मा, हाँ तब तक विजय भैया का खुद का चैनल हो जाएगा। तो जैसे ही इनका चैनल हो जाता है हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पे इनका पोस्ट कर देंगे, आप वहाँ से इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इनको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो के पूर्णतः स्पॉन्सर यही भैया जी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जैसे जो माता जी के नाम पे जो तुम लोग कमेंट करके पूछते हो ना कि YouTube से कितना कमा रहे हो, देख लो कितना कमा रहा हूँ, अभी से स्पॉन्सर मिले बैठे हैं, और ऐसे वैसे स्पॉन्सर नहीं है। अगर आप इनके बारे में जान जाओगे तो आप अगली वीडियो में बताते हैं मेरे बारे में। हाँ बिल्कुल, अभी बताना जायज नहीं है, कभी बिल्कुल बैठेंगे भैया के साथ में बकायदा, उस समय वीडियो के साथ, बिल्कुल वो भी होगा। बाकी फिलहाल जय माता दी।
सो बेसिकली जब आप यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए निकलेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए स्कैम होगा। स्कैम नहीं होगा, ये जबरदस्ती चीज प्रसाद बेचने की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई गई है, तो कृपया उससे बचिएगा। अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ मन करे वहाँ लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल। और भैया के साथ में ये भी हुआ था, जब ये कार लेकर आ रहे थे तो पार्किंग हम लोग का बहुत आगे था। हाँ, अभी वो क्या कहानी था, उससे ही बचिएगा। आपको जहाँ सुविधा लगती है वहाँ पार्क, वहाँ प्रसाद खरीदिएगा। हाँ, वो आके गाड़ी के मतलब जो सामने खड़े हो जाते हैं। प्रशासन किसी चीज को बाधित नहीं करता है कि आप वहीं से लो। प्रशासन आपको जैसे इंडियन कानून के हिसाब से स्वतंत्र है, उसी तरह स्वतंत्र गिरी यहाँ पे चलती है, तो अपना अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बस यही इतना कहना था और शायद लोग समझ जाएंगे ये बातें, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ये सॉल्व हो जाएंगी। बट थोड़ा सा अगर कोई नया बंदा होता है थोड़ा सा उसे अनकंफर्टेबल लगता है। कोई बात नहीं है, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। और भी सारी बातें अगली वीडियो में, अगली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में मिलेगा, बस आगे वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए, अभी मत छोड़ के जाइए, अभी वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस कुछ और ही छड़, उसके बाद में हम पहुंच रहे हैं माता जी के दरबार में। बस कुछ ही छड़ में, कुछ ही छड़ में कर लेंगे, उसके बाद में अगर वहां पर अलाउ है, कोशिश करेंगे अगर हो सके तो दर्शन करा देंगे, ऐसी बात नहीं है, कोशिश हमारी जारी रहेगी। बाकी अगर आपका होगा, माता जी का कृपा होगा तो आप दर्शन कर पाओगे। वेट कर रहे हैं, पिछले 3 घंटे हो गए, अभी दर्शन नहीं हुआ। क्या लगता है कब होगा दर्शन? जल्दी होंगे बुल्लू। क्या लगता है, जल्दी होंगे भैया, जल्दी होंगे दर्शन। सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत कही गई है। हमें लग रहा है ज्यादा थक गए हो। हमने हाँ यार, बहुत चल गए हो ना। रात को भाई साहब एक खर्राटे मार के सो रहे थे। हाँ यार, नींद नहीं पूरी हुई। मैं बंदा गाड़ी चला गया लखनऊ से, ठीक है, ये बंदा बैठा रहा पीछे, रात में सोने नहीं दिया, खर्राटे मार के जगाया बार बार इसने। हाँ, और मैं सोचा कि जब 6 बजे इधर से मैं इसको कुदाते हुए लेके जाऊंगा, गाड़ी का ब्रेक नहीं मारूंगा, कुदाते हुए ले जाऊंगा इसको, गाड़ी में चलाऊंगा ना। बिल्कुल सही बात, गाड़ी मैं चलाऊंगा ना। हाँ बिल्कुल, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मैं चलाऊंगा। ऐसा है, मेरा इंश्योरेंस की 2 किस्तें बाकी है, तो गाड़ी विजय भैया ही चलाएंगे। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा भाई। बिल्कुल, ओके बाय बाय। तो फिलहाल अभी सकुशल मंगल दर्शन हो गया, दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, मिल गए, संघर्ष के साथ किया गया है दर्शन, बट ये संघर्ष हो गया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी थकान थी, जो एक बार माता जी का दर्शन हुआ उसके बाद मैं ऐसा लगा नहीं कि मैं इतना दूर चल के आ रहा हूँ भाई साहब। मतलब 1 मिनट के लिए इतना क्राउड था कि जो कहावत है ना कि सरसों फेंको तो नीचे नहीं गिरेगा, इतनी भीड़ होती है, तो सही बात, भीड़ था, दूला भीड़। और दूसरी बात ये लग रहा था, जब उस क्राउड में मैं फंसा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन ये है कि सब माता, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है यारे, बता इसकी हालत टाइट है इस समय। ये ब्लॉगिंग करने के मूड में नहीं था, मैंने अपना कैमरा निकाल के ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ठीक है, हालत टाइट है इसकी, ये मन में कुछ भी बोल ले भाई, कुछ नहीं, ठीक है, आज ये टाइट हो गया, अब इसका नया रूप देखना है केदारनाथ में, इसके केदारनाथ में क्या हालत होने वाली। नहीं, हम कहने का, सुनिए गाइस, हालत देखते क्या होगा, ठीक है, मैं मिलते हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना,